रहीम अस्सलाम वालेकुम। इनास एडवेंचर चैनल पर मैं अपने व्यूअर को एक बार खुश आमदीद कहता हूँ। और ये देखें इन्होंने किस तरह जंगल में बनाया हुआ है। जो आदमी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो गुजरते हुए यहाँ से अपनी एक्सरसाइज भी कर ले। यहाँ उन्होंने बनाया हुआ है डंड निकालने के लिए, और यहाँ लिखा भी है उन्होंने कि किस तरह करना है। तो आप व्यूअर देखें इसको, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ आगे वो नहर इस तरफ से। तो ये इसके लिए उन्होंने क्रॉसिंग ब्रिज भी लगाया हुआ है, ताकि अगर दूसरी तरफ से कोई आदमी इस तरफ आए तो वो किस तरह गुजरे तो देखें व्यूअर ये किस तरह उन्होंने बनाया हुआ है क्रॉसिंग ब्रिज। ये आपको नज़र आ रहा है, एक तरफ ये प्लेन है थोड़ा सा, ये तकरीबन 1-2 फीट। ये साइकिलों के लिए, अगर कोई साइकिल लेके जाना चाहता है ना, तो साइकिल को पकड़ के ना, तो इधर से ईजी ऊपर लेके जाए। ये इसलिए उन्होंने इस तरह बनाया है। ये अभी मेरा ख्याल है एक आदमी इधर से इत्तफाकिया ही आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा साइकिलों वाले ही घूमते हैं। तो वो आदमी मेरा ख्याल इधर से आ रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इतनी देर में। आप इस तरफ के व्यू देखें, इतने प्यारे एरिया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं भी हो सकता है वो कैमरे की आंख से देखने से कुछ ज़्यादा अच्छे ना लगते हूँ, लेकिन ये देखिए साइकिल वाला आ रहा है, आप इसको देखें। तो इस तरह साइकिलों को भी लेके यहाँ से गुज़र सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बनाया हुआ है। ये तो साइकिल वाला तो देखे वो सीधा सीढ़ियों से ही नीचे उतर गया। ये साइकिलें भी बड़ी बड़ी स्पेशल साइकिलें हैं, यहाँ तकरीबन 1.5-2 लाख की साइकिलें हैं, उनको तो परवाह ही नहीं होती है। और बड़ी 3D अब आ रही हैं, और ज़्यादा खूबसूरत साइकिलें आ रही हैं, जिनके अंदर इतने सिस्टम हैं ना कि मैं इंशाल्लाह कभी उनके ऊपर भी आपको डॉक्यूमेंट्री बना के दिखाऊंगा। बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे व्यू हैं कि यकीन करें आंखें थकती नहीं हैं इनको देख देख के। ये देखा जंगल के नीचे उन्होंने बनाया हुआ है पार्क सा, बेंच लगाए हुए हैं। ये नहीं कि मिसाल के तौर पर स्पेशल कोई पार्क है, जैसे वो रास्ते से गुजरते हुए ना अगर कोई आदमी थक जाता है, तो पुराने वक्तों में बड़े बड़े दरख्तों के नीचे लोगों ने थले बनाए होते थे, तो जब कोई मुसाफिर गुजर रहा है तो वो उधर थोड़ी देर बैठ के तो क्या कहते हैं रेस्ट कर ले। इसी तरह उन्होंने भी इसके नीचे, ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके नीचे उन्होंने बेंच बनाए हुए हैं। यहाँ से जो आदमी एक्सरसाइज करने आते हैं, घूमते फिरते हैं, तो आदमी का दिल करता है बैठ के कोई पानी पी लिया, कुछ खा भी लिया, तो इसके लिए उन्होंने स्पेशल नीचे बेंच लगाए हुए हैं। कैमरे की आंख से पता नहीं, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि कैमरे की आंख से जो चीज़ नज़र आती है या जो कुदरती तौर पर नज़र आती है, उसकी एक अपनी खूबसूरती होती है। ये नहर बिल्कुल उधर जाती है, जो मैं आपको पहले एरिया दिखा चुका हूँ, इधर से 8-10 किलोमीटर दूसरी तरफ। तो जब मैं उधर से बनाता हूँ ना, तो वो पीछे बड़ी नहर आ जाती है, फिर उसको आगे उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। लेकिन एक तरफ आपको आपने देखा है ना, ये नीचे बड़ी भी है और छोटे है, नहरें भी निकली हुई हैं इसमें से। एक मिनट में थोड़ा सा इधर से आपको व्यू दिखा दूँ। ये देखें इधर जंगल में भी उन्होंने ऊपर सड़क तक ना उन्होंने फैसिलिटी दी हुई है टूरिस्ट को, कि अगर कोई आदमी आता है, ये नीचे इधर आता है ना, तो इस तरह का रास्ता है। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक मिनट, कि ये देखें कितने प्यारे व्यू इन्होंने बनाए हुए हैं, ये देखें, ताकि इधर से भी कोई बंदा गुजरता है, कुछ होता है, ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। और बिल्कुल सेम इसी तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें यहाँ भी उन्होंने बनाया हुआ है एक्सरसाइज करने के लिए। यह सिर्फ होते हर जगह के ऊपर उन्होंने बनाए हुए हैं एक्सरसाइज करने के लिए। देखें जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, वो इस तरह के एरिया में आते हैं। ये बहुत प्यारे एरिया हैं, और सब जंगल ही जंगल है। लेकिन ये जंगल है वो उस तरह के जंगल नहीं है जिसमें चीते शेर होते हैं या कोई डर होता है, इस जंगल में इंसान ही होते हैं।
जिधर मर्जी आप घूम के देखें ना, जिस किस्म के मर्जी जंगल में आप घुस जाए ना, तो आपको इस तरह के वो क्या कहते हैं अपनी उर्दू ज़ुबान में पगडंडियाँ, वो बनी हुई नज़र आएंगी। पगडंडियाँ इनको कहते हैं ना, तो अच्छा कच्चे रास्ते कह लेते हैं, तो कच्चे रास्ते बने होते हैं तो जिससे इधर उधर लोग इजी घूमते फिरते हैं। तो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें ये जो ऊपर से मैं आपको दिखा रहा था ब्रिज के नीचे एक जगह बनी या जहाँ कोई आदमी क्या कहते हैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेता है, लेकिन ये नहीं कि यहाँ किसी ने कुछ पे करना है या कोई आपको कंट्रोल करेगा, आपने खुद ही अपनी हर चीज़ की हिफाजत भी करनी है। और इधर से बैठ के यहाँ आप कोई ना कोई चीज़ खा पी सकते हैं, और इन्होंने डस्टबिनें भी लगाई हुई हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये देखें रिवर कुछ नहा रहे हैं यहाँ, हालांकि इस जगह के ऊपर नहाना मना है, लेकिन फिर भी लोग आपको पता है गर्मी में सताए हुए लोग होते हैं तो वो बाज नहीं आते हैं, वो नहा ही लेते हैं। तो व्यूअर देखें ये साइकिलों वाले के बंदे आए हैं, तो इन्होंने इधर साइकिलें खड़ी की हैं, तो वो इधर कुछ खा पी रहे हैं बैठे। और ये देखें जंगल के नीचे इन्होंने कितने प्यारे लगाए हुए हैं बेंच, ताकि कोई बंदा आए यहाँ बैठे खाए पिए मौज करे। और फिर ये सबसे बड़ी बात है, जब ये बैठते हैं खाते पीते हैं उठते हैं तो अपने टेबल को साफ़ करके जाते हैं, ताकि नेक्स्ट कोई बंदा और भी आए पीछे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह वो टेबल भी आपने देखा है, ये टेबल भी आप देख लें, दोनों बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। और ये इन्होंने लिखा हुआ है ऊपर, इस ये रास्ता किधर जाता है ये देखें व्यूअर। और ये देखा साइकिलों वाले इधर से घुस गए, उधर से घुस गया है, लेकिन बड़ा प्यारे व्यू से जो है ना, बड़े प्यारे व्यू नज़र आते हैं यहाँ। और ये सारे एरिया का नक्शा है, ये देखें ये सारे एरिया का नक्शा है, जिधर जिधर बंदा जा सकता है, कोई कच्चे रास्ते हैं या पक्के हैं सब के ऊपर। और ये सर्दियों में लिखा हुआ है, सर्दियों में इस तरफ जो है ना स्लिप होती है कोहरे से या वो क्या कहते हैं बर्फ़ पड़ने से। और ये देखें फिर वो एक्सरसाइज करने वाले लगे हुए हैं, उम्मीद है व्यूअर के आपको ये व्यू अच्छे लगे होंगे। ये नेचुरल व्यू है सारे सवाए इस नहर के, ये नहर इन्होंने मस्नूई बनाई हुई है, बाकी हर चीज़ जो है ना नेचुरल है। और ये नहर देखें कितनी मजबूत कंक्रीट की कंक्रीट है दोनों तरफ से। तो चले व्यूअर इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो आप हमारी वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, यहाँ लोग सिर्फ आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप लाइक करें शेयर करें। ये देखा वो आए साइकिलों वाले, वो थके हैं, उन्होंने इधर साइकिल रोक लिए, तो वो अभी जो है इधर से और आ रहे हैं। ये सारा दिन इसी तरह ही सिलसिला चलता रहता है। हाँ ये एक और चीज़ जाते जाते आपको दिखा दूँ, इसमें किस तरह के कोई ख़तरनाक चीज़ें हैं। ये जैसे नहीं होता है वो स्पाइडर, किस तरह के कीड़े मकोड़े हैं कोई जो ख़तरनाक हैं, जिनमें जहर होता है वो आपको नुकसान दे सकते हैं। ये भीड़ों का होता है, जिसमें वो जिस तरह नहीं मारे वो क्या कहते हैं उनको, मुझे नहीं याद ना। अच्छा ये सांप है, इस तरह का सांप भी है यहाँ। तो ये इस पार्क के अंदर जिस किस्म के कोई कीड़े मकोड़े या कोई हैं चीज़ें, तो उस तरह की उन्होंने लिखी हुई है।